इंशाल्लाह हम इस मॉड्यूल के अंदर सिम्युलेटर को जो बिल्ड करेंगे उसके अंदर हम दो रिपोजिटरीज के ऊपर काम कर रहे होंगे. एक है सेल्फ ड्राइविंग कार सिम्युलेटर, ये हमारे लिए ओपन सोर्स किया गया है यूडीएसटी की तरफ से. बेसिकली यूडीएसटी ने ये सिम्युलेटर अपने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया था जो उनके नैनो डिग्री प्रोग्राम के अंदर इनरोल थे, लेकिन उन्होंने इसको ओपन सोर्स कर दिया है तो कोई भी इसको इस्तेमाल करके इससे मुस्तफीद हो सकता है. हम इस सिम्युलेटर को इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि इस सिम्युलेटर के अंदर हमें क्या फंक्शनैलिटी दी गई है. इस सिम्युलेटर को इस्तेमाल करने का एक पर्पस ये भी है कि ये यूनिटी टूल के ज़रिए बनाया गया. यूनिटी जो है गेम डेवलपमेंट का टूल है, अगर आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो वो बहुत, उसका साइज़ बहुत बड़ा है और वो बहुत सारी ऑनलाइन डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन उसको रिक्वायर्ड होती है. और फिर आप अगर उसको एग्जीक्यूट करेंगे और उसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए आपको हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप रिक्वायर्ड होता है, आपको GPU ग्राफिक कार्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं ताकि स्मूथ ट्रांजेक्शन आप उसमें देख सकें. तो बजाय इसके कि हम वो सारी इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं, हम अभी इस सिम्युलेटर को यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारे पास एक लिमिटेड इन्वायरमेंट बिल्ड हो जाए जिसके अंदर हम अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार उसके अंदर सिम्युलेट करके देख सकें. इसके अंदर एक और प्रोजेक्ट जो हम यूज़ कर रहे होंगे वो है कार बिहेवियर क्लोनिंग का. ये एक्चुअली में हमारा डेटा साइंस डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने कन्वोल्यूशनल नेटवर्क को यूज़ करते हुए मॉडल बिल्ड किया है, जिसके अंदर जो फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा है वो टेंसर फ्लो का यूज़ हो रहा है. सिम्युलेटर जो है वो सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए है कि जो भी हम मॉडल बिल्ड करेंगे हम उसके एग्जीक्यूशन को देख सकें सिम्युलेटर के ऊपर. और जो भी हम कोड एग्जीक्यूट कर रहे होंगे या कमांड्स पाइथन की एग्जीक्यूट कर रहे होंगे वो कार बिहेवियर क्लोनिंग के अंदर ही कर रहे होंगे. तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं. इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको सीखने को मिलेगा. और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूरा मॉड्यूल मुकम्मल करने के बाद मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर, और आप मुझसे पूछ भी सकते हैं.